सो क्लास इलेवेंथ फिजिक्स का अपना चैप्टर चल रहा था मोशन इन ए लाइन काइनेमेटिक्स। लास्ट के दो तीन अपने वीडियो लेक्चर्स बचे हैं, एक चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर दिया, ये सेकंड कंप्लीट होने वाला है। इसका जो पार्ट है अपना, इस पार्ट में अपन पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी देखो क्या होती है। अब वेलोसिटी के अलावा डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, ये सारे भी क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। और ये तीनों चीज़ क्या आती है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, ये सब किस में आती है, मोशन में। तो यानी कि मोशन भी रिलेटिव होती है। अब रिलेटिव होने से मेरा मतलब क्या है, रिलेटिव होने का मीन है कि रेफरेंस पॉइंट चेंज होने के हिसाब से ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसकी फिजिकल क्वांटिटीज चेंज होना। सिंपल मीनिंग में समझो तो मोशन क्या होता है, कंटिन्यूस चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट। यानी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर टाइम के हिसाब से और रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से क्या आना, चेंज आना, टाइम के हिसाब से और रेफरेंस पॉइंट। यानी टाइम के हिसाब से तो अपन बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पहले वहाँ पे था, जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो उसकी पोजीशन क्या होती गई, चेंज होती गई, ठीक है। तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है ऑब्जर्वर पॉइंट, ठीक है। जैसे अपन किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे अपने पास एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली के ऊपर कोई आदमी बैठा है, ये ट्रॉली अपने आगे से गई तो यहाँ पे अपन थे और ये ट्रॉली क्या जा रही थी आगे, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, ठीक है। तो अपने को क्या लगेगा कि इस ट्रॉली के ऊपर जो आदमी बैठा है वो कैसा है, मोशन में है, जबकि एक्चुअल में क्या है, वो बैठा हुआ है ट्रॉली के ऊपर। लेकिन अपने को क्या लग रहा है कि उसकी पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज होती जा रही है, क्या, और ये टाइम के साथ चेंज होती जा रही है। तो अपने को पता है कि टाइम के साथ अगर किसी की पोजीशन चेंज होती है तो वो मोशन में होता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये जो आदमी बैठा है ये मोशन के ऊपर है। यानी ए पॉइंट के हिसाब से बी पॉइंट किस में है, मोशन में। लेकिन बात करें इसी ट्रॉली के ऊपर इसके साथ बैठे हुए एक तीसरे आदमी सी की, तो सी को ये बी, जब सी है वो बी को देखेगा तो उसको क्या लगेगा, सी तो उसके साथ बैठा है तो सी के हिसाब से तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, क्योंकि उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये ऑब्जर्वर, ये एक तो ये, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर ये, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से तो ये मोशन में है। और लेकिन सी ऑब्जर्वर के हिसाब से क्या है, ये उसी ट्रॉली में उसके साथ ही बैठा हुआ है। ऐसा ही एग्जांपल आप ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाला पहले पढ़ के आ चुके हो 9th क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये सी के हिसाब से बी क्या होगा, वेस्ट के अंदर होगा। तो यानी जब ऑब्जर्वर चेंज हो गए, यानी रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया, रेफरेंस पॉइंट के चेंज होने के हिसाब से ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो गई, ऑब्जेक्ट की क्या होगी, स्टेट चेंज होगी। पहले वो मोशन में था, अब वो कैसा है, रेस्ट के अंदर है। इसे बोलते हैं रिलेटिवनेस ऑफ मोशन। यानी जो देखने वाला है उसके हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट की मोशन और उसकी फिजिकल क्वांटिटीज में चेंज आना क्या कहलाता है, रिलेटिवनेस ऑफ मोशन। अब इस पॉइंट के हिसाब से हर पॉइंट का क्या होता है, एक फ्रेम होता है। जैसे ये ऑब्जर्वर ओ यहाँ पे बैठा है तो ये क्या बनाएगा, अपना एक्स वाई जेड प्लेन बनाएगा, है ना। हर डायरेक्शन में इसकी क्या होगी, अलग कोऑर्डिनेट होंगे, ये अलग कोऑर्डिनेट से देखेगा, इसका प्लेन अलग है इस वाले का, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, ये अलग पॉइंट से देख रहा है, इसका ऑब्जर्वर पॉइंट ओ कहीं यहाँ पे है। लेकिन इसकी बात करें तो इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पे होगा, ये ऊपर बैठा है थोड़ा, तो इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ डैश। तो इस तो क्या होगा, इस रेफरेंस पॉइंट का फ्रेम क्या है, अलग है, उसके कोऑर्डिनेट अलग है, जेड डैश, एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है। और इस रेफरेंस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, अलग है। इसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने की वजह से जो ऑब्जेक्ट की मोशन है वो इफेक्ट करता है उस पर, ठीक है, जिसकी वजह से ये फिजिकल क्वांटिटीज में चेंज आता है, चेंज नहीं, रिलेटिवनेस होता है। यानी दूसरे को कुछ और दिखेगी, जो ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से वेलोसिटी की, इन सब की वैल्यू चेंज होती है, जैसे अपन क्वेश्चंस में करेंगे आप, ठीक है। अब आप, आपको सिर्फ रिलेटिव से इतना पता, सिंपल मीनिंग ये निकालना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने की वजह से वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, इन सब चीज़ों पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। देखने वाले का नज़रिया क्या कर देता है, इन सबको चेंज कर देता है। जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए है, वो इस साइड 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, बी है वो इस साइड 10 मीटर पर सेकंड की जा रहा है। तो पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी
ऑफ ए एज सीन बाय बी, यानी बी जब दौड़ते हुए पीछे वाले को देख रहा है तो बी को उसकी स्पीड कितनी दिखेगी? अगर अपन यहाँ पे खड़े हैं रेस्ट के अंदर है तो अपने को उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड दिखेगी क्योंकि अपन तो रेस्ट पे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो अपन भागने लग जाए तब अपने को इसकी स्पीड कितनी दिखेगी, क्योंकि जब अपन रेस्ट में थे तो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग था, जब अपन दौड़ने लग जाएंगे फिर उसको नोटिस करेंगे तो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी उसकी वजह से इसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है जो इसकी, वो भी चेंज हुई दिख देगी अपने को। यानी वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय वी, जिसे मैं डिनोट करता हूँ वी ए बी से, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ ए डिसाइड करनी है अपने को बी के हिसाब से, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए डिसाइड करनी है मूविंग बी के हिसाब से जो दौड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी, ये किस हिसाब से डिसाइड किया अपन ने? ये वेलोसिटी ऑफ ए है 20 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी ऑफ बी है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन अपन ने ये कौन सा रेफरेंस पॉइंट मान के हिसाब से डिसाइड किया, ये अपन ने किस रेफरेंस पॉइंट से डिसाइड किया, कहाँ से? तो ये अपन ने डिसाइड किया ग्राउंड के हिसाब से जब अपन खड़े हैं, ठीक है। तो वी ऑफ ए इज 20 माइनस 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, किसका? प्लस का। कंक्लूजन क्या निकला कि जब बी है वो दौड़ते हुए पीछे ए को देखेगा तो उसको क्या लगेगा, ए जो है वो उसी की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है। एक चीज़ नोट करो कि जब जो ऑब्जर्वर होता है, जो देखने वाला होता है, वो खुद को हमेशा रेस्ट में मान के चलता है, वो खुद को हमेशा किस में मान के चलेगा, रेस्ट के अंदर मान के चलेगा, वो कभी अपने को मूविंग नहीं मानेगा, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या माना जाएगा, रेस्ट में माना जाएगा। जब बी देख रहा है तो बी खुद को क्या मानेगा, रेस्ट में देखेगा, इसे ही तो बोलते हैं रिलेटिवनेस। जबकि ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन जब ये देखने की बारी आएगी, इसको देखने की बारी आएगी, तो ये ए को तो मूविंग मानेगा और खुद को क्या मानेगा, रेस्ट के अंदर मानेगा, जिसकी वजह से जब ये रेस्ट में मानेगा तो उसको ये क्या दिखेगी, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड दिखेगी और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अब इसके पास आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। देखो अब अगर आपको बोले कि वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, अब बी की वेलोसिटी ए के हिसाब से बताओ, तो वही वी वेलोसिटी ऑफ बी अकॉर्डिंग टू ए, तो वी बी माइनस वी ए वेलोसिटी ऑफ बी। अब कौन देख रहा है, ए देख रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी होगी, 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी, 20 ग्राउंड के हिसाब से, तो कितनी है बी, माइनस 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो जब ए बी को देखेगा तो ए क्या है, फास्ट स्पीड से जा रहा है, ए जब ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो ए खुद को क्या मान रहा है, रेस्ट में, ये तो खुद को रेस्ट में मानेगा क्योंकि ये ऑब्जर्वर है। वो क्या रहा है कि ए क्या है, ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इसके करीब पहुंचेगा, तो इसको क्या लगेगा, जो ज़्यादा स्पीड वाला है ए, उसको क्या लगेगा कि ये बी है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे आ रहा है, माइनस ये शो कर रहा है, जबकि हो क्या रहा है, ये आगे जा रहा है, लेकिन खुद को रेस्ट में माना हुआ इसने, तो क्या लगेगा इसको कि बी पीछे आ रहा है, ठीक है। ये माइनस साइन डिनोट करता है कि बी क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में इसके आ रहा है। आगे समझे, एक क्वेश्चन और देखो, कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ट्रॉली है, जैसे यहां पे वही साइड जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आगे समझ, यहां पे एक और ट्रॉली है जो 10 मीटर पर सेकंड, हर टाइम 20-10 ले रहा हूँ तो इसका कोई खास वजह नहीं है, लेकिन अपने से ही इसको मानने के लिए कहते हैं 20 और 10 ही ले रहे हैं हर बार, ठीक है, कोई स्पेशल इसका है नहीं है कि न्यूमेरिकल 10 20 और 10 से ही होंगे, ठीक है। अब इस ट्रॉली के ऊपर 20 और 10 से ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, बुक के अंदर आपका है जिसके अंदर ये दो ट्रेन मानी हुई है, ये दो ट्रेन है, एक 20 की स्पीड से जा रही है, एक 10 की स्पीड से जा रही है, आगे समझ में। अब इस ट्रेन के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है जो ट्रेन के ऊपर इस साइड 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, कितनी, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे भाग रहा है इस ट्रेन के ऊपर, आ गया। ये जो उसकी स्पीड है
इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये ट्रेन के हिसाब से है, यानी इसका रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड नहीं है। ये 10 मीटर पर सेकंड है जो ट्रेन की स्पीड है, ये ग्राउंड के हिसाब से है, लेकिन ये जो 3 मीटर पर सेकंड है ये ग्राउंड के हिसाब से नहीं है, ये ट्रेन के हिसाब से। यानी अगर इसको a मानूं तो v ऑफ a अकॉर्डिंग टू t इज 3 मीटर पर सेकंड, t के हिसाब से कितनी है 3 मीटर पर सेकंड है। तो बताओ कि ट्रेन फर्स्ट है, इसको मैं क्या बोलूँ, b नाम दे देते हैं, इसको c दे दे। तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ b अकॉर्डिंग टू a, यानी जो a है जो पीछे की तरफ भाग रहा है उसको b कितनी स्पीड से इसकी तरफ आती हुई दिखाई देगी। वेलोसिटी, यहाँ पे मैं वेक्टर नहीं लगा रहा, ये हमेशा स्पीड स्पीड बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वेलोसिटी है, अपने को वेक्टर फॉर्म में लेनी है इसको, ठीक है। वेक्टर फॉर्म एक बार हटा रहा हूँ मैं, लेकिन आपको वेक्टर फॉर्म के रूप में इसको समझना है, क्योंकि ये वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ बी अकॉर्डिंग टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी अकॉर्डिंग टू ग्राउंड कितनी है भाई, 20 मीटर पर सेकंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ग्राउंड नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ए है तो सही, लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रेन है, ट्रेन के रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। तो अपने को क्या करनी पड़ेगी, वेलोसिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ग्राउंड निकालनी पड़ेगी। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अकॉर्डिंग टू ए निकालो, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अकॉर्डिंग टू ए निकालो, ट्रेन की वेलोसिटी ए के हिसाब से निकालो। तो कैसे निकलेगी, वी ऑफ टी माइनस वी ऑफ ए, ग्राउंड के हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है। देखो, वेलोसिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू टी, वेलोसिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू टी निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू टी कितनी है भाई, 3 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ग्राउंड है नहीं, और वेलोसिटी ऑफ टी अकॉर्डिंग टू ग्राउंड 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 आ जाएगा, आ गया समझ, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ ए है अकॉर्डिंग टू ग्राउंड है, वो कहाँ है, पीछे की डायरेक्शन में। देखो ये आगे जा रही है ट्रेन, और जो ए की है, ए है वो क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या आएगी, माइनस की आएगी, किसकी आएगी, माइनस की, क्योंकि ट्रेन तो आगे जा रही है, ट्रेन के हिसाब से। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू टी, ट्रेन के हिसाब से ए की वेलोसिटी पीछे की ओर 3 मीटर पर सेकंड है, यानी यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, आगे सुनो। तो वेलोसिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ग्राउंड आ जाएगी 7 मीटर पर सेकंड, यानी 7 कितनी आ जाएगी, 13 मीटर पर सेकंड। यानी जब ए है वो बी ट्रेन को देखेगा, तो ए को जो बी ट्रेन है वो क्या है, 13 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसकी ओर आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। दोनों के डायरेक्शन क्या है, एक सेम है, ये भी साइड जा रहा है और ट्रेन भी इसकी साइड आ रही है, ठीक है। तो 13 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या होगी, इसको अपनी तरफ आती हुई दिखाई देगी, आगे सुनो। अब देखो, बुक में एक कंडीशन और दी है कि अगर इस ट्रेन के ऊपर कोई मंकी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे भाग रहा है, आगे, ठीक है, ट्रेन की डायरेक्शन में, जहाँ पर ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से क्या है, अपन अभी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो मैं स्पीड बोल रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्शन लेंगे तो अपन प्लस माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये जो मंकी है वो इस ट्रेन के ऊपर भाग रहा है, और ये जो इसकी वेलोसिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ट्रेन है। अब आपको बोला है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी अकॉर्डिंग टू ए बताओ, जो दोनों ये ट्रेन के ऊपर खड़े हैं इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी बताओ एक दूसरे के हिसाब से, यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी अकॉर्डिंग टू ए बताओ कितनी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी अकॉर्डिंग टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ग्राउंड निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी अकॉर्डिंग टू ग्राउंड नहीं है, वेलोसिटी ऑफ मंकी अकॉर्डिंग टू ट्रेन है, यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी अकॉर्डिंग टू ट्रेन है, कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। ये प्लस की होगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन में यहाँ पे अपोजिट थी, तो माइनस लगाया था, तो वी माइनस एम जी माइनस
वी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ग्राउंड, ये वाला कितना निकाला है? 7 निकाला था। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी अकॉर्डिंग टू ग्राउंड निकालेंगे वापस। तो देखो इसी टाइप से क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ मंकी अकॉर्डिंग टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ मंकी अकॉर्डिंग टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अकॉर्डिंग टू ग्राउंड। अब अपने पास ये दी हुई है, कितनी है भाई, 2 मीटर पर सेकंड है, प्लस की वेलोसिटी ऑफ मंकी अकॉर्डिंग टू ग्राउंड अपने को निकालनी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अकॉर्डिंग टू ग्राउंड, ये रही ये वाली 20 मीटर पर सेकंड, तो ये आ गई 20। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी अकॉर्डिंग टू ग्राउंड आ जाएगी प्लस 22 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी अकॉर्डिंग टू ग्राउंड कितनी आई, प्लस 22 मीटर पर सेकंड। आंसर आएगा अपना 15 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी अकॉर्डिंग टू ए, ए को जो मंकी है उसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी भी, 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे दोनों की ऐड हो रही है क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है, कौन, मंकी और ये वाली ट्रेन। तो ये तो था अपना रिलेटिव वेलोसिटी निकालना, आगे समझ में। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं साथ में। देखो एक एग्जांपल और है कि कोई पुलिस है वो किसी चोर के पीछे भाग रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, ठीक है, तो बताओ कितने टाइम बाद है वो, अगर इसकी 20 मीटर पर सेकंड है और ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो इतना तो पक्का है कि जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, डेफिनेटली अगर कम होती तो ये कभी नहीं पकड़ पाता, ये डिस्टेंस कभी कवर नहीं होती, अगर 10 की जगह इसकी 10 होती, इसकी 9 होती तो भी ये कभी नहीं पकड़ पाता, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड है, ज़्यादा है तो मतलब वो उसको पकड़ लेगा डेफिनेटली। तो मान लेते हैं इसने पूछा कितने टाइम बाद पकड़ लेगा, तो अपन मानते हैं कि टी टाइम बाद वो उसको पकड़ लेता है, टी टाइम बाद क्या है वो उसको पकड़ लेता है, टी टाइम बाद पकड़ लेता है, तो उस टी टाइम तक ये चोर कितना चला गया हो गया, टी टाइम तक 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, एस इजिकल टू यू मल्टीप्लाई टी, स्पीड मल्टीप्लाई वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, यानी 10 मल्टीप्लाई टी 10 टी, यानी ये कितना चला गया होगा चोर, 10 टी चला होगा, है ना, क्योंकि टी टाइम तक चला है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चला है, तो डिस्टेंस उसने 10 टी कवर की होगी, ठीक है, और पुलिस भी कितना है, टी टाइम तक चली है तो वो भी क्या है, 20 टी चली होगी, है ना। तो देखो पुलिस द्वारा डिस्टेंस कवर की है 20 टी, जो किसके इक्वल है, उसने इतनी की है, ठीक है, यहाँ पे दोनों आगे पकड़ गए, तो पुलिस ने 100 मीटर तो ये किया है और 10 टी ये की है, 10 टी तो चलो वो आगे गया है, लेकिन ये 100 मीटर भी तो वो उसने कवर किया ना टी टाइम के अंदर, तो कितनी की है उसने, 10 टी प्लस 100, तो कितनी आएगी भी, टी का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड बाद वो क्या है उसको पकड़ लेगा। तो एक तो तरीका अपना ये था कि ऐसे निकाल लो सिंपली तरीके से, एक है कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस अकॉर्डिंग टू थीफ कितनी होगी भी, वेलोसिटी ऑफ पुलिस अकॉर्डिंग टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ अकॉर्डिंग टू ग्राउंड, तो कितनी है, 20 माइनस 10 कितना, 10 मीटर पर सेकंड, यानी चोर को क्या लगेगा कि जो पुलिस है वो उसकी तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी से आ रही है, ठीक है, ये अपनी आ गई वेलोसिटी।
अब एक पॉइंट, एक चीज़ मानो कि मान लो ये रेस्ट के ऊपर है, क्योंकि इसने खुद को रेस्ट में माना हुआ है जब इसको देख रहा है, ये जब इसको देख रहा है तो इसने खुद को रेस्ट में माना हुआ है ना। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर है या नहीं है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो जब ये देख रहा है तो इसने खुद को रेस्ट में माना हुआ है, तो जब इसने रेस्ट में माना हुआ है तब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, और इसके हिसाब से ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रहा है। तो इसके हिसाब से वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इसके हिसाब से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर, तो टाइम निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। टाइम क्या होगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो 100 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी है, 10। कितना आया, 10 सेकंड। एक तरीका अपना ये था, है ना, हो गया। और देखो अब देखो, जैसे अपन ने वेलोसिटी को रिलेटिव दिखाया है वैसे ही अपन एक्सीलरेशन को रिलेटिव दिखा सकते हैं, वैसे ही अपन डिस्प्लेसमेंट को रिलेटिव दिखा सकते हैं। यानी अगर अपने पास वेलोसिटी की जगह ये बताया होता कि जो ए है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ए जो ए है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से जा रहा है, ए है दैट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना है इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका एक्सीलरेशन है बी का वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका भी रिलेटिवनेस निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दिया होता तो भी उसका रिलेटिवनेस दिखा सकते हैं अपन, आगे समझ में, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसे कर सकते हैं, डिस्टेंस का भी कर सकते हैं। लेकिन टाइम है वो कहते हैं कि अब तक आपके बुक के अंदर है कि टाइम जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फ्री होता है, यानी टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 5 मीटर पर सेकंड है, मतलब अगर यहाँ पे देखोगे तो भी आपकी घड़ी में 10 बजे होंगे, और किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके देखोगे तो भी वहाँ पे 10 बजे होंगे, ठीक है। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने की वजह से टाइम में चेंज नहीं होता। लेकिन आप जब ग्रेजुएशन के अंदर जाओगे तो कुछ टॉपिक आएंगे, ठीक है, जिसके अंदर जब बहुत ज़्यादा दूरी के ऊपर क्या हो, बड़े मेजर लेवल पे बात होती है टाइम की, तो ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। टाइम भी क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करने लग जाता है, टाइम भी क्या करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करने लग जाएगा। बहुत छोटा डिफेक्ट आएगा लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। टाइम भी क्या करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलने लग जाएगा। तो ये था अपना रिलेटिव वेलोसिटी इस लेक्चर के बाद, ये तो था अपना 1D। एक चीज़ आपने नोटिस की हो कि इसके अंदर या तो अपन ऐसे जा रहे थे, या अपन ऐसे, या आप ऐसे भी ऊपर ग्रेविटी के अंदर भी उसको ले सकते हो, ठीक है। यानी अपन एक ही डायमेंशन की बात कर रहे थे ये 1D के अंदर। अगर बात करें 2D के अंदर, यानी वेलोसिटी इस साइड से भी जा रहा है कोई, कोई इस साइड से भी जा रहा है, तब बताओ कैसी होगी रिलेटिव वेलोसिटी। यानी 2 डायमेंशन की जब बात आई तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी कैसी होगी। तो उसको अपन कवर करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, कई सारे एग्जांपल लेके। लास्ट लेक्चर होगा शायद, लास्ट की कल वाला, ठीक है, अपनी यूनिट पूरी हो जाएगी। ये इतनी स्टडी करते रहो, नोट्स बनाते रहो साथ में।